हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हमें माता रानी क्या कह रहे हैं, मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं, तो मैसेजेस देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो इन चार कार्डों में से पहला कार्ड आया है फूल कार्ड। द फूल फूल कार्ड बता रहा है आप मस्त मौला है, आप खुले खुले और जिंदा दिल इंसान हैं, कि आपको किसी की पड़ी नहीं है और आप हमेशा बेफिक्र रहते हैं। फिर भी आप जानते हैं कि हमेशा ईश्वर आपके साथ रहते हैं। आप एक जिंदा दिल इंसान हो, आपको ऐसा ही रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, है ना। और दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके तरफ एक गुड न्यूज़ आ रहा है जो आपके शिक्षा, कैरियर, संपत्ति या स्वास्थ्य के लिए हो सकता है, जो कि आपको अच्छी खबर देगी, गुड न्यूज़ मिलेगी। आपको अपनी भविष्य के लिए ठोस नींव रखने की ज़रूरत है। आपने जो भी काम सोचे थे या कोई भी काम करने के लिए, आपने नया काम स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो ये समय अच्छा हो सकता है, आप अपना नींव रख सकते हो। ठीक है, और तीसरा कार्ड है द चैरियट। चैरियट बता रहा है आप एक शक्तिशाली योद्धा हो, आप में चुनौतियों का सामना करने का क्षमता है। अभी कुछ समय से आपके रास्ते में कुछ बाधाएं आ रही थी, तो उन बाधाओं को आप पार कर सकते हो, पर उसके लिए आपको, उसमें सफल होने के लिए आपको अपने ऊपर विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और ओवरऑल मैंने एक गाइडेंस के लिए कार्ड निकाले हैं, तो वो है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स बता रहा है आपके जीवन में एक उत्सव सेलिब्रेशन आने वाला है। आने वाले समय में अतीत से कोई व्यक्ति है आपके जीवन में वापस आ सकता है, वह आपको सुखद समय दे सकता है, खुशहाली मना सकते हो और आपको सकारात्मकता के साथ रहने की ज़रूरत है। और खुश रहें आप, और जो सेलिब्रेशन है वो अच्छे से मनाएं, है ना। तो मेरा जो मैसेज है आपको अपने साथ रेजोनेट करता है तो रख लीजिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा। और मेरा जो रीडिंग है आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे पेज को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।